थे हमको अच्छा हुआ, मंसा पूरा हुआ था, हम सोचे मंसा जी पहले पहले हम करा रहे हैं। कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी भी हम लोग देखे नहीं थे, इतना बड़ा उम्र हो गया आज देखने में, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। रब ने शादी के लिए एक ऐसी जोड़ी बनाई जिस लाजवाब दूल्हे दुल्हन को देखने पहुंच गए 500 लोग। दूल्हे के रूप में कुत्ता और दुल्हन के रूप में कुतिया। सर पे पाग बांध कर पहुंचा शादी करने कुत्ता और सज धज कर तैयार थी शादी के लिए कुतिया। तस्वीर के माध्यम से आप भी बनिए इस अनोखी शादी के गवाह। पूर्वी चंपारण जिला के शहर से सटे मंजुराहा गांव में एक अनोखी शादी हुई है। गांव में एक कुत्ते और कुतिया की शादी कराई गई। यह शादी पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ हुई है। शादी के लिए मंडप बना था और बारातियों के लिए खाने पीने का व्यवस्था किया गया था। बाराती भी डीजे के धुन पर खूब डांस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बाराती और सराती दोनों एक ही परिवार के हैं। जिस कुत्ते की शादी हुई उसका नाम कोल्हू और कुतिया का नाम बसंती है। कोल्हू और बसंती के मालिक नरेश सहने और मालकिन सविता देवी ने कुल देवता का पूजा किया, फिर पारंपरिक मांगलिक गीतों के साथ हल्दी का रस्म हुआ। गांव की ग्रामीण महिलाएं नाचते गाते मटकोर के लिए निकली और मटकोर पूजा हुआ, फिर डीजे के धुन पर नाचते गाते बारात के साथ सज धज कर कोल्हू निकला। बारात गांव में ही घूमकर दरवाजे पर पहुंची तो द्वार पूजा की रस्म भी पूरी की गई। फिर पूरे विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज से बुलाए गए पंडित ने सिंदूरदान कराकर शादी संपन्न कराया। बारातियों को लजीज व्यंजन परोसा गया। तरह तरह के पकवान बनाने के लिए रसोईया की भी व्यवस्था की गई थी। गांव के लगभग 400 लोग बाराती के रूप में शामिल हुए और इस अनोखी शादी के गवाह बने। दरअसल नरेश सहनी और उनकी पत्नी सविता देवी मंजुराहा गांव में रहते हैं। उन लोगों ने एक कुत्ता और एक कुतिया पाल रखा है। कुत्ता का नाम कोल्हू और कुतिया का नाम बसंती रखा है। सविता देवी के अनुसार उन्होंने अपने बच्चों को लेकर कुछ मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई। हमको अच्छा हुआ, मंसा पूरा हुआ था, हम सोचे मंसा था मेरा बच्चा लोग के, बच्चा लोग कुछ हमको अच्छे थे, बच्चा लोग हम जो सोचे से पूरा हो गया। अच्छा। तो हम भैरव भैया मानते हैं। अच्छा। भैरव जी ये पूजा भैरव बाबा का हो रहा है। भैरव बाबा का जी। अच्छा, तो आप लड़का पक्ष से लड़की पक्ष से? लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्ष का हम लोग मिल कर कर रहे हैं। भैरव बाबा का मांग है हमारे यहाँ, कुछ मनौता है इसीलिए। अच्छा, मनौता है इसलिए। ख्याल आया कहीं इसी तरह गए घूमने, कोई आशीर्वाद दिया, वो मनौता दिया कि ऐसे आपको करना होगा, घूम कर रहे हैं। पहला है क्या जी? पहले पहले हम करा रहे हैं। कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और हर शादी में जैसा नेक मिलेगा वैसा नेक भी यहाँ मिल रहा है। जी जी कोई जी 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 अभी तक 1000 रुपया मिल गया बा जी, कोई कमी नहीं किया पैसा में। बहुत खुश है जी जी। बहुत गांव के भी लोग खुश है जी जी। बहुत पूरा गांव के लोग भी खुश है। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ का, मतलब ये आज तक हम लोग उम्र में देखे नहीं थे। उम्र नहीं, हम लोग और नहीं जाना। कभी भी हम लोग देखे नहीं थे, इतना बड़ा उम्र हो गया आज देखने में, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मेरे गाँव का सिस्टर लगेगी, कुत्ता और कुतिया का जी। शास्त्र के हिसाब से मैंने कभी देखा नहीं था, मेरे पूर्वजों ने आज तक नहीं बोला था कि कुत्ता और कुतिया का शादी संपन्न हुआ है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, पर एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।